नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया के छोटी और बड़ी खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपसे राजस्थान के अपराध की दुनिया में एक गैंगस्टर जो मौजूदा वक्त में वहां पर छिपा हुआ था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे लगातार खोज रही है। कुख्यात पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर अशोक राठी, जो मौजूदा समय में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसी की गैंग का ये बदमाश था जो राजस्थान के दौसा में इस वक्त छिपा हुआ था और दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तो आखिर कौन था ये गैंगस्टर और दिल्ली पुलिस आकर राजस्थान के दौसा तक पहुंची कैसे? कौन कौन से गैंग इसके साथ मिलकर जुड़े हुए थे जो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की योजना भी बना रहे थे? दिल्ली पुलिस ने सही समय पर गिरफ्तार करके इन बदमाशों की कमर तोड़ दी है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, वैसे तो हम रोजाना कभी अपने ऑफिस से, कभी घर से, कभी कहीं से, कभी रास्ते से वीडियो बनाते हैं। आज चूँकि हम घर से बाहर निकले हैं, टूर पर निकले हुए हैं, और इसलिए ये वीडियो हम होटल के कमरे से बना रहे हैं। इस वक्त हम गुजरात में मौजूद हैं और गुजरात के एक होटल में बैठकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप क्वालिटी से समझौता कर लीजिएगा, आप हमेशा क्वालिटी से समझौता करते हैं। बाकी कंटेंट तो हम हमेशा दिखाते हैं, आप लोग हमेशा से प्यार करते हैं और आप लोग के प्यार की वजह से ही हम इस तरह से लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते आए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर अशोक राठी गैंग के सरगना को राजस्थान के दौसा इलाके से गिरफ्तार किया है और एक अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है वो गुरुग्राम के बसई इनक्लेव का रहने वाला कपिल उर्फ प्रदीप बताया जा रहा है, जो 2019 में जेल से छूटने के बाद हरियाणा के सोनीपत समेत कई और जिलों में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर फरार था। दरअसल गुरुग्राम के बसई इलाके में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस हत्याकांड में इस गैंगस्टर का नाम सामने आया था और तब से कभी ये राजस्थान के दौसा में छिपता, कभी यूपी के मथुरा में छिपता, तो कभी दिल्ली के किसी गली में जाकर, किसी कोने में जाकर यह बदमाश छिपा करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत ही शिद्दत से इस बदमाश की तलाश कर रही थी और राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, इन सब जगहों पर गैंगस्टरों के खिलाफ जो एक अभियान चलाया जा रहा है उसी के तहत इस बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। और अभी मौजूदा वक्त में देखा जाए, पिछले कुछ महीनों से, हम अगर सितंबर 2022 का जिक्र करें, जब से गैंगस्टरों के बीच गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से पुलिस इन सभी राज्यों की बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है और ऐसे बदमाशों को पकड़ पकड़ कर उनकी कमर तोड़ रही है, उन्हें सलाखों के पीछे डाल रही है, ताकि राजस्थान में या फिर हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिमी यूपी में अपराध का जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है उसे कम किया जा सके। पकड़ा गया बदमाश कपिल, उसके बारे में कहा जा रहा है कि साल 2009-2010 में ये पहली बार जुर्म के दुनिया में तब आया जब इसने ललित कटारिया जैसे बदमाश और हरियाणा के बसई के रहने वाले संदीप सोटर जैसे बदमाशों के साथ इसने हाथ मिलाया और उसके बाद वो जुर्म के दुनिया में आया और एक एक कर कई सारे वारदातों को अंजाम देता चला गया। और बाद में जब इसकी मुलाकात अशोक राठी से हुई, वही अशोक राठी, आप तस्वीरें देखिए, इतना खूंखार बदमाश है कि पश्चिमी यूपी में इसने जब वारदात करने की शुरुआत की तो जब ये जेल गया, जेल के अंदर इसने जेलर को मारने तक की कोशिश कर ली। आप इस खतरनाक शूटर या फिर संदीप राठी, माफ कीजिएगा, अशोक राठी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो साल 2009 में कपिल पहली बार जुर्म की दुनिया में आया और जुर्म की दुनिया में आने के बाद इसने एक एक कर कई सारे वारदातों को अंजाम दिया जो पुलिस के लिए, सभी राज्यों की पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सीपी ने कहा कि उसे पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, दबिश दे रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि उसे जबरन वसूली, हत्या की कोशिश, डकैती, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे कई जघन्य अपराधों के मामले में उससे पूछताछ भी करनी थी। तो फिलहाल कपिल पूछताछ में खुलासा कर चुका है कि उसका जो गैंग है, उसकी गैंग मंजीत महाल जो कि दिल्ली में सक्रिय है, उसके साथ साठगांठ थी, दोनों गैंगों के बीच आपसी समझौता था कि जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे। पुलिस ने कहा है कि दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी गिरोह यानी कि बसई के राजू गिरोह, गुरुग्राम का काला जझेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी उससे जुड़ा हुआ था। तो आपको याद होगा, लॉरेंस बिश्नोई, काला जझेड़ी या फिर गुरुग्राम का राजू बसौदी या फिर गुरुग्राम का रहने वाला कौशल चौधरी, जिसका नाम भी कहा जाता है कौशल चौधरी गुरुग्राम, तो ये सब वो गैंगस्टर हैं जिनके टच में ये बदमाश था। और अब इससे पकड़ने के बाद पुलिस लगातार
पूछताछ कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये गैंगस्टर आगे बहुत सारे ऐसे खुलासे कर सकता है जो पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार भी साबित हो सकता है। तो फिलहाल राजस्थान की पुलिस, पंजाब की पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पश्चिमी यूपी पुलिस, इन सभी जगहों में जो बड़े बड़े गैंगस्टर पनाह लेकर बैठे हैं, इन सभी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ना सिर्फ इन पर कार्रवाई की जा रही है, जो इनके फॉलोअर हैं, इनके समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करते हैं, इनके वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कुछ भी कमेंट करते हैं, बदमाश बनने की बात करते हैं, उन सब लोगों की बदमाशी अब पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में हमने देखा पंजाब में भी, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी इन ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो इन बदमाशों को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर इन्हें रॉबिनहुड बनाकर बताने की कोशिश करते हैं। तो हम तो आखिर में यही मैसेज देंगे आपको, हमेशा से हम यही कहते हैं कि भाई अपराध की दुनिया बाहर से देख कर तो बहुत अच्छी लगती है कि हाथों में गन होता है और ये ऐसे ज़िंदगी होती है, फिल्म हरियाणवी गाने पर अपना चलते हुए शॉट लगा के कुछ करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी क्या है? असल ज़िंदगी जब ये पकड़े जाते हैं ना तो देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा लॉरेंस बिश्नोई जब राजस्थान ले जाया जा रहा था, तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जितने पुलिस वाले थे, एक तरह से आप कह सकते हैं परेड निकाली जा रही थी, तो चाहे लॉरेंस हो, काला जठेड़ी हो, नीरज बमाना हो या फिर जितने ए कैटेगरी के बदमाश हैं, उन सब की हालत यही होती है पकड़े जाने के बाद, या तो जेल में रहते हैं या फिर उनके विरोधी गैंग के बदमाश उन्हें मार डालते हैं। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि अपराध की दुनिया में आने के लिए बहुत लोग अग्रसर रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, तो उनसे हाथ जोड़कर अपील है, भैया अपने घर वालों की बात मानिए, अपना भविष्य सिक्योर कीजिए, कुछ नहीं रखा इसमें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मल हो गया, तो बात चूँकि गहनता से कर रहे थे तो इतना ज़रूरी था। आपका ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए, नमस्कार।